सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकॉर्डिंग हॉबी और हमें काविज के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज न्यू फिश। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं, ये हम मरीन टैंक के साथ लास्ट वीडियो में कहा था हम फिश लेके आएंगे। देख सकते हैं, आप पहचान ही गए होंगे, नॉर्मल से फिश है, सबसे कॉमन मोस्ट फेवरेट फिश देख सकते हैं ये है। ये हमारे क्लाउन फिश का पेयर लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये। और ये परकुला है हमारी, देख सकते हैं आप लोग। इसको ओपन करते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। इसको पहले हम लोग रखेंगे अपने क्वारंटीन टाइम में। क्वारंटीन टाइम की जैसे कि लाइट ऑफ है और इसको कि हम ऑन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मतलब कि हम जब फिश ट्रांसफ़र करा करें, जब भी कोई भी नई फिश लाया करिए तो उसको अपने आप लाइट ऑफ रखा करिए कुछ टाइम तक अपने टैंक की, क्योंकि वरना फिर फिश जो होती है स्ट्रेस में आ जाती है ज़्यादा, मतलब हार्श लाइट होती है सही नहीं रहती उसके लिए। तो हमेशा लाइट वगैरह ऑफ रखा करिए, इसीलिए लाइट ऑफ ही रखेंगे इसकी। अभी लाइट ऑन नहीं करेंगे जब तक ये फिश मेरी सेट नहीं हो जाती है। तो चलिए इसको निकालते हैं और अपनी बकेट में पहले ट्रांसफ़र करते हैं इसको। हम लोग एक्लीमेट करते हैं। एक्लीमेशन क्या प्रोसेस होता है? एक्लीमेशन ये प्रोसेस होता है किसी भी एनिमल को ला के, मतलब कि उसके पुराने एनवायरनमेंट से नए एनवायरनमेंट में उसको अडेप्ट करने का जो टाइम होता है, अडेप्टेशन का टाइम जो होता है, सेट होने का टाइम जो उसका होता है, उसको एक्लीमेशन कहते हैं। तो जैसे कि फ्रेश वाटर की अगर आपकी फिश है तो आप लोग उसको बस नॉर्मली पानी की ये होता है पैकेट होता है, इसको आप बस डाल दिए इसके अंदर और वो टेम्परेचर मैच हो जाएगा, फिर आप फिश को निकाल के डाल सकते हो। बस सॉल्ट वाटर में थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको सॉल्ट भी मैच करना होता है, मतलब कि जो क्वांटिटी होती है सॉल्ट की, डिजॉल्व सॉल्ट कितना, जितना इसमें हो उतना ही इसमें हो तो सही रहता है, वरना फिर फिश शॉक में आ जाएगी। तो उसके लिए आपको ड्रिप एक्लीमेशन करना पड़ता है, वो सबसे बेस्ट मेथड रहता है। तो चलिए इन दोनों फिश को हम निकाल के पहले बकेट में रखते हैं, फिर हमें ड्रिप एक्लीमेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रिप एक्लीमेशन में हम अपनी ये जो ड्रिप है इससे स्टार्ट करेंगे। आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एयरलाइन या फिर जो भी आपके पास मेथड है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपने दोनों क्लाउन को पहले निकालते हैं बकेट के अंदर, फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारे दोनों पैकेट आ गए, उसका रबर बैंड ओपन कर लेते हैं। तो अब दोनों फिश को धीरे धीरे से ऐड कर लेते हैं इसमें। अपनी पहली क्लाउन निकाल लेते हैं। अब दूसरी वाली भी निकाल लेते हैं। हमारी दोनों क्लाउन आ चुकी हैं। हम लोग करेंगे अपने ड्रिप एक्लीमेशन स्टार्ट। तो जैसा कि हमारी फिश बकेट में अब निकल गई है, हम लोग ड्रिप एक्लीमेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम ये ड्रिप लाइन यूज़ करेंगे, जैसा कि हमेशा अपनी वीडियो में बताते हैं, ये ड्रिप लाइन है मेरी, इधर ऑफ है, इस पर कितने लीटर कितने ml पर आर आपको मतलब कि ड्रिप करना है इस पर लिखा हुआ है। आप कोई भी ड्रिप लाइन यूज़ कर सकते हैं, ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। और एक और दूसरी वाली आती है वो जिसमें रोलर लगा होता है, वो भी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ना हो तो आप एयरलाइन यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप नॉट लगा दिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एंड डाल देते हैं पहले हम लोग इस साइड पर अपने क्वारंटीन टैंक के अंदर। ये डाल दिया हमने एक एंड क्वारंटीन टैंक के अंदर, हो गया हमारा। और दूसरा एंड हमारा जाएगा बकेट के अंदर, इसको कर लेते हैं ओपन। इसको फुल पे ओपन कर देंगे और देख सकते हैं वाटर आना स्टार्ट हो गया। जब तक अब इसको ऐसे डाल देते हैं इसके अंदर, जब वाटर मेरा दो गुने से ज़्यादा हो जाएगा, जो बकेट के अंदर जितना वाटर है वो 2 times से ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमने फिश निकाल के अपने क्वारंटीन टैंक में ऐड कर देंगे। सो फाइनली हम लोग की फिश जो ऑलमोस्ट एक्लीमेट हो चुकी है, वाटर 2 times से ज़्यादा हो चुका है, 2 गुना ज़्यादा वाटर हो चुका है इसके अंदर। तो अब चलिए अपनी ड्रिप लाइन कर देते हैं बंद, इसको ऑफ कर दिया हमने, इसको साइड में रख देते हैं निकाल के, नेक्स्ट टाइम यूज़ करा जाएगा इसको जब कोई और फिश लाएंगे। और इन फिश को पकड़ते हैं और मूव करना शुरू कर, देख सकते हैं इसके अंदर में लाइट ऑफ रखी है, क्योंकि मतलब फिश स्ट्रेस में आ जाती है, नई जगह पर आती है एकदम से। हल्की सी लाइट हम ऑन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कैमरे में दिखे। एक पीस छोटा है हल्का सा, एक पीस बड़ा है, देख सकते हैं ये मेरे छोटा वाला पीस जा रहा है टैंक के अंदर। ये गई मेरी पहली क्लाउन फिश, कलर काफ़ी अच्छे हैं जैसा कि देख सकते हैं आप लोग भी। दूसरी वाली भी पकड़ते हैं और इसको भी कर देते हैं मूव।
ये हमारा दूसरा पीस भी आ गया और रेली जैसे ये लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर है इनका, मतलब कि तीनों वाइट स्ट्राइप हैं और साथ में ब्लैक भी है सही। जैसे जैसे ग्रो करेंगी तो इनका कलर और अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे, जो ब्लैक आउटलाइन आती है वाइट के बाद वो आती जाएगी धीरे धीरे जैसे ये लोग ग्रो करेंगी। अभी इनको ऐसे छोड़ दें कुछ देर तक, कुछ देर बाद आके देखते हैं कैसी एडजस्ट हुई है टाइम के अंदर हमारे ये। तो आज हमारा नेक्स्ट डे आप लोग देख सकते हैं मेरी फिशें काफ़ी अच्छे स्विम कर रही हैं और ये देख सकते हैं हमने एक एनिमोन भी रख दिया है और ये फीडिंग भी लेने लगी हैं। और ये देख सकते हैं ये जो मेरी परकुला हैं ये इंपोर्टेड हैं, मतलब थोड़ी वाइल्ड कॉट हैं ये हमारी, वाइल्ड कॉट परकुला हैं ये हमारी। तो मतलब वाइल्ड कॉट में क्या होता है कि फीडिंग वगैरह आसानी से नहीं लेती हैं, टैंक ब्रेडेड होती हैं आसानी से फीडिंग ले लेती हैं, वैसे क्लाउन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है बट फिर भी कभी कभार फीडिंग वगैरह नहीं लेती हैं। तो मेरी जो परकुला हैं फीडिंग लेने लगी हैं और काफ़ी सही से फीडिंग ले रही हैं, इस बात का काफ़ी हमको रिलैक्स है इस चीज़ से कि फीडिंग वगैरह लेने लगी हैं। और देख सकते हैं मतलब कि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई मतलब कि परकुला 200 रुपए की भी मिल जाती हैं, क्लाउन 200 रुपए की मिल जाती हैं और कुछ लोग 1000 रुपए की देते हैं, क्या लोग ठग रहे हैं ऐसा? तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, मतलब कि फ़र्क होता है सब में, टैंक ब्रेडेड में और जो वाइल्ड कॉट होती हैं और ट्रू परकुला, नॉर्मल परकुला, फॉल्स परकुला और ऑसलेरस, डिज़ाइनर क्लाउन और काफ़ी तरह की क्लाउन आती हैं, तो सब में फ़र्क होता है। क्लाउन हमारी 200-300 रुपए से लेके 50,000 तक का आती हैं, तो डिपेंड करता है आप लोग कौन सी क्लाउन देख रहे हैं उस शॉप पे या फिर आप किस शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, किस सेलर से बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है उस पे। और जैसे कि मेरी याली देख सकते हैं क्लाउन, ये वाली मेरे दोगुना कीमत की जो पिछली बार वाली मेरी क्लाउन थी वो मेरी 500-600 रुपए की थी, कुछ ऐसे ही था उनका रेट, हमें एग्जैक्टली नहीं याद। और ये मेरी 1000 रुपए के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, इनमें उनमें फ़र्क है। इस पर पूरी 3 स्ट्राइप्स हैं आप लोग देख सकते हैं, उनका साइज़ भी बड़ा है पहली वाली से मेरा, तो ऐसे ही प्राइस बढ़ जाते हैं कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं उस टाइम पे। और देख सकते हैं इसके अंदर एक एनिमोन जो हमने ऐड कर दिया, ये रबर का एनिमोन है, ये हमने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि वाइल्ड कॉट है तो हमने सोचा हो सकता है इनको एनिमोन की आदत हो, एनिमनी की आदत हो इनको, तो हमने इसलिए साथ में रख दिया, हो सकता है थोड़ा कम्फर्टेबल फील करें उसके साथ ये। और ये देख सकते हैं आज हमारा नेक्स्ट डे है और ये सही से थोड़ा बिहेव कर रही है। अब इनको हम 2 वीक्स तक और क्वारंटीन करेंगे ऐसे ही, क्योंकि अभी तक हमें इसमें कोई भी पैरासाइट बैक्टीरिया कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखा इनके ऊपर कोई भी वायरस वगैरह का, तो इनको 2 वीक तक हम और ऐसे ही क्वारंटीन करेंगे, फिर इसको मेन टैंक में हम शिफ्ट कर देंगे। और क्वारंटीन टैंक क्या होता है, क्वारंटीन कैसे करते हैं, तो उसकी वीडियो यहाँ पर आप लोग लिंक क्लिक करके देख सकते हैं, पूरी आपको वीडियो समझ में आ जाएगी क्वारंटीन टैंक क्या होता है, इसमें क्यों रखा हुआ है, फिर इसको मेन टैंक में शिफ्ट करेंगे हम। और जिस फीडिंग में हम इसको हिकारी एस दे रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, ये वाला फूड हम दे रहे हैं। और ये फिश हम कहाँ से लाए, ये फिश हमने लोकली बाय करी है, ज़्यादातर कोशिश करा करें जितनी भी फिश हुआ करें हम लोकल बाय करा करिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लोकल में क्या रहता है आपको बाय करने में आप आंखों से देख के ले सकते हैं कि आप कौन से चीज़ ले रहे हैं और मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मतलब कि मरने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। बाहर से मंगाएंगे तो मे बी आपकी मरी हुई फिश आए, ज़्यादातर लोग डेड ऑन अराइवल मतलब कि उसको रिफंड कर देते हैं, अगर आप जब आता है बॉक्स खोलते हैं उसकी वीडियो वगैरह बनाते हैं फिर आप उनको सेंड कर देते हैं कि हाँ डेड आया, तो वो लोग रिफंड वगैरह कर देते हैं, बट फिर भी आपकी शिपिंग वगैरह ज़्यादा लग जाएगी और फिर टेंशन अलग कि मर गई एंड ऑल। तो पास से लिए अपने घर के पास से ज़्यादा सही रहता है, जैसे कि हमने प्रभाकर भाई से ली है ये वाली फिश और देख सकते हैं हमने इसके अंदर लाइट लगाई हुई है, लाइट हम इसको ऑफ कर देंगे अभी वीडियो के बाद, ज़्यादा लाइट ना ऑन करिए स्टार्टिंग के डेज में क्योंकि फिश स्ट्रेस में आ जाती है, तो लाइट वगैरह ऑफ रखिए ज़्यादा सही रहेगा। और तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं कुछ फ्रेश वाटर पे काम करते हैं और पहले अगर आप लोग को अपडेट चाहिए तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपडेट देते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये फिश कैसी लगी, इसे क्या नेम वगैरह रखें कि ना रखें और हम कौन सी नई फिश ऐड करें, सब कमेंट वगैरह कर दिए, वीडियो कैसी लगी सब फीडबैक वगैरह दे दिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए, फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर सारी वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।